Assalamu alaikum, welcome to my lectures. I am your social studies lecturer, Midata Bas. Students, we started a new chapter, chapter 3, which was major climatic regions of the world. In the lecture, we discussed 3 to 4 different climatic regions. Today, we will discuss the remaining 2 climatic regions, plus, we will discuss the questions of the chapter as well. So, let's start. In the earlier lecture, we discussed major climatic regions, which monsoon climate, the Mediterranean, the Equatorial tundra tha, which had arctic and alpine so now we are starting with temperate grasslands as the name suggests this climate grassland sky sa areas jahan pacific grasses grow karti so these are forests belts across northern and southern hemisphere between the deserts up and southern hemisphere which is divided by equator in the hemisphere made jahan tundra

ल्ड विंटर्स इन लो रेनफॉल ओनली अलाउ ग्रास टू ग्रो अब इतने कोल्ड टेम्परेचर और लो रेनफॉल की वजह से सिर्फ ग्रास ग्रो कर पाती है सो दे आर नो ट्रीज टेक्निकली इन सच टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड सिंस देर ग्रास लैंड यहाँ पे यूजली ग्रेजिंग होती है एंड द टाइप ऑफ एनिमल्स यू कैन जनरली सी हेयर कुड बी जुराफ कुड बी जीब्रा कुड बी हॉर्सेज कुड बी अदर एनिमल्स विच ग्रेज ऑन द ग्रास लैंड सो ये सलैंड जो हैं इनका जो टेम्परेचर है वो दोनों में विच इज समर और विंटर बहुत हाई होता है लाइक इन समर्स समर इज अट ऑफ हीट एंड इन विंटर्स इज अट ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड इट कैन लीड टू आईसी आइसीड ग्रास लैंड को बहुत डिफरेंट नामों से जाना जाता है स्पेशली बेस्ड ऑन द रीजन जहां पे वो पाए जाते हैं सो जनरली यू कैन सी ग्रास लैंड इन Southern Europe, Central Asia, South Africa, South America, and North America. So, according to regions, they've been given different names. In Southern Europe and Central Asia, you know them as steeps. And in South Africa, you know them as, as welt. In South America, you know them as pampas. So, these are the different names given to the temperate grasslands based on the regions. Soil is variable according to region. जो सॉइल है टेम्परेट ग्रासलैंड्स की वो बहुत वेरी करती है अब वेरी करने का मतलब ये है कि इफ इट्स नियर टू द इक्वेटोरियल रीजन और टेम्परेचर जो है वो हॉट है एंड देयर इज इन विंड आल्सो ब्लोइंग सो दे कैन हैव अ रिच सॉयल रिच सॉयल का मतलब है द ग्रेन्स आर पॉसिबल टू ग्रो देयर ग्रेन्स का मतलब है वीट हो गई मेज हो गया सो दीज आर द स्मॉल ग्रेन्स विच कैन ग्रो इन टेम्परेड ग्रास विद रिच सॉयल और जहां सॉइल रिच नहीं होगी बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल इन वेरी कोल्ड विंटर्स वहां पे देर इज ओनली स्मॉल ग्रास प्लाट्स विच आर ग्रोइंग एंड नो नो मोर ग्रेन्स कैन बी ग्रोन देर मूविंग कार हैव सीजन सीजन्स सीजनस हम रेफर करते हैं जैसे ठंडक या ठंड का, का सीजन है सर्दी का सीजन है विच गोज ऑन फॉर फ्यू मंथ्स अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो अलहमदिल्ला अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल फोर टाइप्स ऑफ सीजन इंक्लूडिंग द मानसून क्लाइमेट एज वेल इट्स स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर और ये इसी तरह पाकिस्तान में अपेयर भी करते हैं नाउ द सीजन बेसिकली रेफर टू की टेम्परेचर कितना था रेनफॉल कितनी थी ह्यूमिडिटी कितनी थी कितनी ठंडक रही कितनी गर्मी रही कितनी शिद्दत थी सो दीज आर द रेफरेंसेज फॉर द सीजन्स लेकिन सीजन कॉज क्या करता है सीजन आर कॉज्ड बाई टेल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस रिमेंबर जब हम यूनिवर्स कर रहे थे चैप्टर में तो आई डिट टेल यू कि अर्थ इज अ प्लान विच रोटेट्स अबाउट द एक्स लाइक दिस सो इफ इट रोटेट्स अबाउट द एक्स लाइक दिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को कट करती है टू हाफ में उस इमेजिनरी लाइन का जो टिल्ट है असूलन तो ऐसे सीधा होना चाहिए वो स्लाइटली इस तरह का है जब वो इस तरह का होता है तो अर्थ टेक्निकली ऐसे रोटेट करती है जब वो ऐसे रोटेट करती है सो इफ द सन इज हियर एंड द अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस जो रीजन वर्ल्ड का सन को डायरेक्टली फेस करता है वहां डे तो होता ही है बट इन रीजन देयर इज हॉटर क्लाइमेट एंड पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे सन रिसीव द विंटर्स टेक्निकली बिकॉज इस तरह रोटेट करते करते अर्थ सन के अराउंड भी मूव करती है जब वो सन के अराउंड मूव करती है तो जो रीजन इस एरिया में सन के बिल्कुल सामने था जैसे कि अगर मैं ये लिखा हुआ मार्कर का पार्ट ले लूं अगर ये अर्थ के बिल्कुल सामने इस तरह था सन के सामने और जब ये ऐसे रोटेट किया और इसकी पोजिशन चेंज की तो यही लिखा हुआ रीजन अपोजिट साइड पे आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं so, ये ये कॉज करती है पिक्चर स्क्रीन विल शो यू हाउ डिफरेंट सीजन आर कॉज्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ये आपको चार स्नैपशॉट्स दे रही है अर्थ के अराउंड द सन और ये चारों स्नैपशॉट्स आपको एक्जैक्टली exactly डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे ऑटम एंड स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मूविंग ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस द दस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सो इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे ये फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो मेनली वुड है वो टिम्बर होती है विच इज यूज फॉर फर्नीचर एंड अदर कमर्शियल पर्पजेज देन देर आर मैंगोज देर इज कॉफी दिस इज शुगर केन देर इज कोको दीज़ आर द फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स विच आर बींग विच ग्रो नेचुरली इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जिनसे मैन काइंड को इकोनॉमिकली बहुत फायदा पहुंचता है बिकॉज इफ यू टेक कॉफी तो बहुत सारे डिजर्ट्स में भी डलती है वैसे भी पी जाती है वर्ल्ड इफ़ यू टेक मैंगोज इफ यू शुगर भी बनाती है शुगर केन के अपने भी यूजेज होते हैं सो यस इकोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड इफ यू कैन रिफर टू बैक टू द लास्ट लेक्चर यूल एबल टू आंसर इट अ बेटर वे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ सो सारे नाम लिख के ऑफ द थिंग्स विच आर रिसीव और विच आर प्रोवाइडेड बाई दीज फॉरेस्ट उनके बाद उनके यूजेज आप डिस्क्राइब कीजिए The second question is, what are advantages of a monsoon climate? Monsoon climate, we discussed the climate, the kiya, monsoon climate, obviously very fertile soil, it brings rain with it, it, is, it makes the soil fertile, so the growing of the crops, the agriculture, it is very useful, plus monsoon climate makes or affects the temperature of that region as well. Make a table showing the main crops including fruits in the Mediterranean regions. When we discussed the Mediterranean climate, we discussed

Fifth one is In which part of the world are grasslands found? Why are they useful? Grasslands, we discussed that in Southern Europe, mein, Central Asia, mein, South Africa, mein, South America, mein, North America, mein jaate hain. why are they useful? They are useful because grains are grown there. Now, again, explain how seasons are caused. So, I just right now explained. You can pause the video, rewind it a little bit, listen again to the fact that how seasons are caused. Take help of the picture I've shared with you people. And this is how you will be able to answer the questions of this chapter. So I will be seeing you again in the next lecture with a new chapter. Till then, Allah Hafiz.